हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। आईफोन 13 यूजर्स के लिए iOS 17 के अपडेट में टॉप 13 सेटिंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली हैं। ये टॉप 13 सेटिंग्स आपको अभी के अभी चेंज कर लेनी चाहिए आईफोन 13 के ऊपर, क्योंकि अगर आप अपने डिवाइस के बैटरी बैकअप को इंक्रीज़ करना चाहते हो और अपनी एप्लीकेशंस को सेफ रखना चाहते हो अपने डिवाइस के ऊपर, आपको ग्रीन स्क्रीन इशू देखने को ना मिले, तो ये सेटिंग्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली हैं। सो चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं गाइज आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है आपकी आइस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैंने तो इस फीचर को इनेबल करके अपनी आइस को प्रोटेक्ट कर लिया है, तो आपको भी इस फीचर को ज़रूर ऑन कर लेना चाहिए। ये फीचर कैसा है, कैसा प्रोवाइड होता है, ये फीचर कैसे काम करता है, तो सबसे पहले तो आपको स्क्रीन टाइम को ओपन करना है। स्क्रीन डिस्टेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये फीचर कैसे काम करता है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरह की ऑप्शन आपका डिवाइस आपको शो करेगा जब कभी आप अपने डिवाइस को काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी से वॉच करोगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कीप योर आईफोन एट योर आर्म्स लेंथ। तो यहाँ पर आपको अपने डिवाइस को आर्म की लेंथ के ऊपर ही यूज़ करना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको ये पॉपअप देखने को नहीं मिलेगा। जब भी आप अपने डिवाइस को काफ़ी नज़दीकी से वॉच करोगे तो उसी कंडीशन में आपको ये पॉपअप देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको स्क्रीन डिस्टेंस का इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा जब आईफोन का डिस्टेंस जो है वो रिकमेंडेड हो जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर टैप करके अपने डिवाइस को यूज़ कर सकते हो। ये फीचर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सेकेंड नंबर के ऊपर जो फीचर ऐड करा गया है वो है आपकी म्यूज़िक की एप्लीकेशन में। तो म्यूज़िक की एप्लीकेशन में क्रॉस फेड का नया ऑप्शन ऐड करा गया है, उस ऑप्शन को आपको जरूर ऑन कर लेना है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कि अगर आप अपने म्यूज़िक को नेक्स्ट प्ले करोगे तो उस कंडीशन में आपको पॉज देखने को मिलता था, यानी कि स्टॉप देखने को मिलता था पुराने अपडेट्स में। बस iOS 17 के अपडेट में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अब आपका जो क्रॉस फेड का म्यूज़िक है वो आपके म्यूज़िक को मर्ज करके प्ले करेगा सेकंड वाले म्यूज़िक में। इस तरह से आपको कोई भी स्टॉप या पॉज देखने को नहीं मिलेगा आपके म्यूज़िक की एप्लीकेशन में जब कभी भी आप अपने म्यूज़िक को प्ले करोगे। थर्ड नंबर के ऊपर आपका जो पोर्ट्रेट मोड है कैमरा का, वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट कर दिया गया है iOS 17 के अपडेट में। अब आप उसके फोकस को शिफ्ट कर सकते हो। एडिट पे टैप करो और आप कहीं पर भी फोकस को शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको फोकस चाहिए तो यहाँ पर आप फोकस कर सकते हो, यहाँ पर फोकस चाहिए तो यहाँ पर फोकस कर सकते हो, जिसके साथ आप इसके फोकस को शिफ्ट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अपने आईफोन 13 के ऊपर। तो फोर्थ नंबर के ऊपर अगर आपको बहुत से OTP मैसेजेस रिसीव होते हैं तो आप उन मैसेजेस को सिंपली ऑटो क्लीनअप के ऊपर सेट कर सकते हो। वो कैसे, सिंपली आपको सेटिंग्स को ओपन करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पासवर्ड्स का ऑप्शन। पासवर्ड्स पे टैप करो, ये आपकी फेस आईडी को यूज़ करेगा। आपको यहाँ पर पासवर्ड ऑप्शंस पे टैप करके क्लीनअप ऑटोमेटिकली को यहाँ से ऑन कर देना है, जिसके साथ आपके जो वन टाइम पासवर्ड्स हैं जब आप उसको यूज़ करके हटोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से क्लीन होते जाएंगे और आपकी स्टोरेज जो है वो आईफोन की वो भी फ्री अप रहेगी। तो फिफ्थ नंबर पे आपको बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश की सेटिंग को ज़रूर ऑफ के ऊपर सेट करना है, क्योंकि बैकग्राउंड में आईफोन के काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं आपकी एप्लीकेशंस में, इसीलिए आपको उन सेटिंग्स को ज़रूर ऑफ करना है। बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश पे टैप करो और यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को ऑफ के ऊपर सेट करना है, ताकि आपके बैकग्राउंड में कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जो आपकी बैटरी को ड्रेन करे। सिक्स्थ नंबर पे आपको लोकेशन सर्विसेज को ज़रूर ऑफ करके रखना है। उन एप्लीकेशंस की लोकेशन को ऑफ करिए जो आप डे टू डे में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी व्हाट्सएप की और सफारी की एप्लीकेशन को काफ़ी ज़्यादा डे टू डे रूटीन में यूज़ करता हूँ, तो मैंने अपनी इन सभी एप्लीकेशंस की लोकेशन को ऑफ करके सेट कर रखा है। इसी तरह से आप उन पर्टिकुलर एप्लीकेशन की लोकेशंस को ऑफ कर सकते हो जो आप डे टू डे रूटीन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो। सेवन्थ नंबर पर आपको ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को यूज़ करना चाहिए, ताकि आपकी जो बैटरी है आईफोन की वो ऑप्टिमाइज तरीके से चार्ज हो और इतनी जल्दी बैटरी हेल्थ ड्रॉप ना हो आपके आईफोन की, इसलिए आपको ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन आपको बैटरी के सेक्शन में देखने को मिलता है। तो एट्थ नंबर पे आपको नई सेटिंग्स इनेबल करी गई हैं आपकी कैमरा की एप्लीकेशन में, उन सेटिंग्स को भी आपको जरूर ऑन कर लेना है। आपको सेटिंग्स को ओपन करना है और
और यहाँ पर आपको कैमरा की ऑप्शन देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले तो आपको लेवल की एक नई ऑप्शन ऐड करी गई है, उसके बाद जो ऑप्शन ऐड करी गई है वो है आपकी रिकॉर्ड वीडियो के सेक्शन पे लॉक वाइट बैलेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस ऑप्शन को जरूर ऑन कर लेना है, जिसके साथ आप लॉक कर सकते हो अपने वाइट बैलेंस को वाइल वीडियो रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको लाइन भी देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है कैमरा एप्लीकेशन में। अब आपको यहाँ पर अपनी लॉक करने की ऑप्शन देखने को मिलेगी अपने सफारी के टैब्स को। यहाँ पर आपको सफारी के टैब्स को लॉक करने के लिए सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन करना है। तो यहाँ पर सफारी को ओपन करो और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक नया ऑप्शन, रिक्वायर फेस आईडी टू अनलॉक प्राइवेट ब्राउजिंग। इस ऑप्शन को आपको यहां से ऑन कर देना है। अब आप गुड टू गो हो, अपने प्राइवेट ब्राउजिंग को अब आप लॉक लगा सकते हो। सिंपली प्लस पे टैप करो, जो भी आपको सर्च करना है वो आप यहां पर सर्च करो और यहां पर फिर से अपने नॉर्मल टैब्स में शिफ्ट करो। और प्राइवेट में शिफ्ट करोगे तो अब आपकी ये फेस आईडी को यूज़ करेगा, जिसके साथ आप इजीली अपने सफारी के टैब्स को लॉक लगा सकते हो प्राइवेट ब्राउजिंग में। 11th नंबर के ऊपर आपके फ़ोटोज़ के एप्लीकेशन में कुछ नए फीचर्स ऐड डाउन करे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर जब मैं डबल टैप करता हूँ क्रॉप का नया ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करोगे तो एक कुछ नए शॉर्टकट्स आपको देखने को मिल जाएंगे आपके फ़ोटोज़ की एप्लीकेशन में। और साथ ही साथ लुकअप का एक नया फीचर ऐड डाउन करा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका जो भी पेट है उसकी सारी की सारी डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हो। लुकअप के ऊपर टैप करो, आप इसका नेम फाइंड आउट कर सकते हो, इस कैट का क्या नेम है, क्या ब्रीड है, अमेरिकन शॉर्ट हायर इसका नेम है इस कैट का। इसी तरह से आप अपनी फ़ोटोज़ के एप्लीकेशन में इन नए फीचर्स को भी यूज़ कर सकते हो। तो 12th नंबर पे आपको ऑटो ब्राइटनेस को यूज़ करना चाहिए, जिसके साथ आपकी जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज डिक्रीज होती है अपने हिसाब से, जहाँ पर आपके डिवाइस को लगता है कि आपको यहाँ पर बढ़िया ब्राइटनेस चाहिए, हाई ब्राइटनेस चाहिए, उस कंडीशन के ऊपर आपका जो आईफोन है वो ऑटोमेटिकली आपकी ब्राइटनेस को अप कर देता है। आपको एक्सेसिबिलिटीज़ पे टैप करके ब्लिस डिस्प्ले एंड टेक्स्ट पे टैप करना है, ऑटो ब्राइटनेस फीचर को यूज़ कर देना है। तो यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस के फीचर को यूज़ करोगे तो आपको बैटरी बैकअप भी बढ़िया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी नोट्स की एप्लीकेशन जो है वो उसमें आप लॉक को अप्लाई कर सकते हो, पासवर्ड्स को सेट कर सकते हो, जो भी नोट्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको आप लॉक लगा सकते हो फेस आईडी से। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स को ओपन करना है, नोट्स के एप्लीकेशन के ऊपर टैप करके पासवर्ड के ऊपर टैप करो और यहाँ पर आप अपने डिवाइस का पासवर्ड यूज़ कर सकते हो और फेस आईडी को इनेबल कर सकते हो और अपने नोट्स को लॉक लगा सकते हो अपनी फेस आईडी को यूज़ करके। तो ये कुछ बेस्ट सेटिंग्स हैं आईफोन 13 यूजर्स के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आईफोन 13 यूजर्स के लिए, इसीलिए आपको इन सेटिंग्स को ज़रूर ऑन या ऑफ कर लेना है, जो भी मैंने आप सभी से इस वीडियो में शेयर की हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।